तो आज होगी मस्त पार्टी बिकॉज दोनों भाइयों का एडमिशन हो चुका है सेम स्कूल में और काफी अच्छा लगा मेरे को जाके। मेरा मन कर रहा था काश मैं भी ले लूं, इतना मस्त स्कूल है ना, मन कर रहा था कि मेरे भी एडमिशन हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम स्कूल जा रहे हैं जहां मेरा एडमिशन होएगा। वाह, तो आज का व्लॉग कुनाली के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हम जा रहे हैं कुनाली का एडमिशन कराने के लिए जहां पीयूष का घर है ना, तो वहीं। अभी तो समझ नहीं आएगा, अभी तो छोटा है, बट जब ये 10 साल बाद ये व्लॉग देखा तब इसको समझ में आएगा, तो इसको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ इस दिन मेरा एडमिशन हुआ था। और हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबको, आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाए कि हम पीयूष और कुनाली का एक ही स्कूल में बढ़िया वाले में एडमिशन करा रहे हैं। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी हो गया नहा धो के, चलते भी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे। और मैंने भी अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। हाँ, कुनाली ने भी कर लिया है, पहले दाल भात खाया और फिर अभी मैगी खाई। ये मैगी खाते रहते हैं बस, पीयूष ने इसको भी याद दिला दी मैगी खिलाने की। ये देखो ये दोनों के दोनों डोल रहे हैं यहाँ पे, वो देखो वो तो अभी भी खा रहा है, वो देखो अभी भी मैगी खा रहा है वो। दिखाइयो क्या है, दिखाइयो, दिखा कैमरे में दिखा। गाइस कमेंट कर बताना कि ये क्या है, ये मैगी नहीं है तो और क्या है? ओट्स है, ओट्स, ओट्स ऐसे होते हैं, ओट्स तो अलग होते हैं, सफोला ओट्स तो अलग होते हैं। नो पेड प्रमोशन। हाँ ये देखो ये है, चलो जो भी है खाने दो इनको, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक बार बोल सकता हूँ, दो बार बोल सकता हूँ। मैंने नहीं खाया, चल ना झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं खाया। मैं आप करूंगा ब्रेकफास्ट, मैं तो अभी नहा के रेडी हूँ, मैंने कहाँ खाया। मेरा भी एडमिशन कराओ, इसका भी एडमिशन कराओ बस। चलो यार इनकी नौटंकी वैसे चलते रहेगी, अपन ब्रेकफास्ट करते हैं फिर जाना भी है स्कूल। तो खाने में है मस्त दाल चावल विद अचार। तो भी गाइस सभी के सभी रेडी हो चुके हैं, मम्मी चाची कुनाली रेडी हो रहा है, पीयूष भी हो गया है, ओरियो के साथ में साहिल घर पे ही रहेगा। मैं कह रही हूँ अगर तेरा मन हो रहा है इसको तो तू जा, मैं रह लूंगी ओरियो के साथ, कोई दिक्कत नहीं। साहिल दा को ले आ जाता है बड़ी मम्मी को, बड़ी मम्मी को साहिल दा को भी, बड़ी मम्मी को भी, ओरियो को भी। ओरियो को स्कूल में नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते। क्यों? ओरियो डॉग है ना, डॉग को स्कूल में अलाउ नहीं होता। तो भी गाइस हम स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं कि कौन सी क्लास में इसको रखेंगे, भी उसका टेस्ट होगा। अभी तक आंगनवाड़ी वगैरह गया था, वैसे स्कूल तो गया नहीं है कभी, तो देखते हैं। अच्छे टेस्ट देना हाँ, वो पूछेंगे आपसे क्या आता है आपको, आपको क्या आता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं आता? अगर वहाँ पूछेंगे ना आपसे आपको क्या आता है, कुछ नहीं मत बोलना, आप बोलना मुझे सब आता है, क्या बोलोगे? मुझे कुछ नहीं आता है। गंदी बात बोलते हैं ऐसे, क्या बोल रहे हैं यार ये, क्या है ये? चलो देखते हैं जो भी होगा, अभी तो छोटा है, जिस भी क्लास में रखेंगे रख देंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी तो छोटा है ना। तो हाँ सही है, मतलब छोटे से ही पूछना चाहता हूँ। पूछो। ओरियो को ओरियो वाली क्लास में ले जाना, क्या कुछ ही बोल देता है गाइस। अगर स्टार्टिंग से ये हमारे साथ में होता ना, अभी तक तो इसको इतनी सारी चीजें आती हुई, लेकिन गांव में था तो अभी इसको मतलब बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, मतलब इसकी एज के हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, टाइम रहते अब आ गया हमारे साथ में, अब इसको सब कुछ सिखा देंगे। हमारे साथ में इसको रोटी बनानी आती, झाड़ू वगैरह आता। तो कुनाली को मस्त ऐसे तैयार किया जा रहा है। चलो गाइस फिलहाल निकलते हैं फॉर्चुनर लेके सभी के सभी। तो फाइनली गाइस स्कूल पहुंच चुके हैं, ये है मेन गेट, यहाँ गाड़ी लगाता हूँ मैं। तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, अब चलते हैं, वहाँ से वो गेट है, वहाँ से अंदर चलते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं दे रहे क्या, बंद है क्या? कुनाली और चाची तो गए, अभी हम वेट कर रहे हैं, उनका टेस्ट चल रहा है, चाची का भी टेस्ट चल रहा है, मम्मी यहाँ बैठी है। तो फाइनली गाइस स्कूल से बाहर आ गए हैं और कुनाली का एडमिशन भी हो गया है। तो अभी गाइस रुके हम लस्सी लेने के लिए, जल्दी लेके आ, मतलब मेनली लस्सी, एक लस्सी मेरे लिए। तो आज होगी मस्त पार्टी बिकॉज दोनों भाइयों का एडमिशन हो चुका है सेम स्कूल में और काफी अच्छा लगा मेरे को जाके। मेरा मन कर रहा था काश मैं भी ले लूं, इतना मस्त स्कूल है ना, मन कर रहा था कि मेरे भी एडमिशन हो जाए, मेरा भी बहुत पढ़ने का मन कर रहा है यार स्कूल में, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज है वहाँ पे, सारी चीजें देख के मन कर रहा था काश मैं भी पढ़ता। हाँ इसका हुआ है यूकेजी में। तो फाइनली गाइस अपनी लस्सी आ चुकी है, नो पेड प्रमोशन लेकिन काफी अच्छा होता है, मतलब पीयूष पीता था, पीयूष ने मेरे को भी आदत डाल लिया, बहुत ज्यादा मस्त होता है। तो अब एक महीने बाद दोनों को स्कूल जाना है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक महीना है, सिर्फ मार्च है इनके पास, उसके बाद फिर इनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट। जिस काम के लिए हम कुनाली को लाए थे वो हो चुका है, मतलब कल ही लेके आए थे, आज एडमिशन भी करा दिया हमने। चलो मिशन कम्प्लीट, अब कोई टेंशन नहीं है, अब स्कूल की कोई टेंशन नहीं। एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही थी मेरे दिमाग में इन दोनों के स्कूल की, जो कि खत्म हो चुकी है, एडमिशन हो चुका है। चलो अब अपना मस्त हम ट्रैवल करेंगे बिना पीयूष के, मतलब पीयूष के साथ में एक महीने तक कर सकते हैं, एक महीने बाद नहीं कर सकते पीयूष के साथ में। अब साहिल और मैं ट्रैवल करेंगे बस। मेरा भी कॉलेज है भाई। तेरा भी कॉलेज है? अकेले। तो फिर मैं अकेले ट्रैवल करूंगा, अकेले मैं मम्मी के साथ ट्रैवल करूंगा। मम्मी आप करोगे मेरे साथ ट्रैवल? मम्मी कहेगी मैं इनको स्कूल भेजूंगी ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्रैवल करूंगा, मैं किसी मुझे अकेले अकेले मुझे समझ गए सर, क्या समझ गए? कैसा है यार कुछ अब फिलहाल हम ओरियो को लेके चलते हैं बाहर।
आपको ना दो तीन बहुत मस्त मस्त गुड न्यूज़ देने वाले हैं हम कुछ टाइम में, मज़ा आ जाएगा आपको भी, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज़ के लिए। तो पीयूष और कुनाली तो ऑलरेडी पार्क में ही है। तो भी गाइज हम आए हैं पार्क में ओरियो को लेके और थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। अरे एमएसके भाई का फोन आ रहा है, मेरी ऑडियंस को हाय बोल दो। तो गाइज एमएसके भाई से बात तो हो चुकी है, शायद हम साथ में लद्दाख कर सकते हैं दो फॉर्च्यूनर में, भाई मजा आएगा। मैं कभी लद्दाख नहीं गया, लद्दाख तेरे को थोड़ा ले जाएंगे, इसके तो स्कूल है, इसको ले जाएंगे लद्दाख, लद्दाख हम करेंगे। ये देखना ये सारा फ्रेम तो ये ले रहा है। अरे भाई भाई कैमरे के आगे आ रहे हो आप। गाइज बहुत ज्यादा शैतान हो गया ये, मतलब बच्चों को देख के भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा। अभी हम पार्क में आए, खेलने में बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? अरे हाँ, तो कुनाली को बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज गांव में तो ऐसे पार्क वार्क थे नहीं, तो ये खेल नहीं पाता था कहीं पे, तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे मतलब पार्क वार्क है, तो ये अभी अभी छोटा है ना, तो छोटे से ही अच्छे से खेलेगा। तो इवन मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि मैं भी इस तरह से पार्क में आके बैठ सकता हूँ, लेट सकता हूँ। मम्मी जी भूख लग रही है यार, क्या खाएं? कुछ बना दो, भूख लग रही है। क्या बनाऊं? मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है, बर्गर जोमेटो से ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ। फाइनली गाइस ऑर्डर हो रहा है अपना बर्गर। मैंने क्या करा ना, मैंने लोकेशन कहीं और की डाल दी, आसपास की कहीं और की, हमारे यहाँ तो आता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं बर्गर ऑर्डर कर रहा हूँ अपने घर पे। पापा जी अपना मस्त स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी सीख रहे हैं। तो गाइस हमारे पड़ोस में नई ग्लॉस्टर आई है, तो मैंने आज तक कभी चलाई नहीं है, तो चला के देखते हैं। लेकिन बहुत प्यारी लगती है देखो ये, और अंदर से काफी लग्जरियस भी है, फॉर्च्यूनर से बड़ी है काफी, डोर भी हैवी है भाई। इसमें सनरूफ भी है, बहुत बड़ा है, हम कैसी लग रहा है पीछे बैठ के, कैसा लग रहा है? मस्त है भाई, बहुत सही लग रहा है, खुला खुला लग रहा है। तो गाइस इसका जो स्टीयरिंग है ना वो इतना हल्का है देखो, और बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, जैसे फॉर्च्यूनर को चलाने में काफी भारी भारी से लगता है, इसको चलाने में भारी नहीं लग रहा, बहुत स्मूथ लग रहा है, जैसे कि नॉर्मल गाड़ी चला रहे कोई, और वाइब्रेशन नहीं है फॉर्च्यूनर में, बहुत वाइब्रेशन है। पीछे बैठ के कैसा लगा? सही थी भाई, खुली था बहुत, स्पेस बहुत है, मतलब मजा आ गया चला के, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्की थी, बहुत ही स्मूथ थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई भारी गाड़ी चला रहा हूँ। फॉर्च्यूनर चलाते हैं ना, फॉर्च्यूनर में इतना भारी लगता है कि कोई बहुत भारी गाड़ी चला रहे हैं। भाई फॉर्च्यूनर है ये कहना चाहूंगा, फीचर तो नहीं है, फीचर तो नहीं है, क्या करोगे फीचर का? लेकिन भाई लुक तो मेरे को इसी की मस्त लगती है, वो तो है भाई। देखो गाड़ी तो यही ठीक है, लेकिन इसके अंदर वाइब्रेशन और फीचर आ जाए बस, फिर बेस्ट हो जाएगी। वाइब्रेशन आ जाए, वाइब्रेशन नहीं चाहिए, चल जाए, वाइब्रेशन हट जाए, मतलब बैठते हैं तो वाइब्रेशन फील होती है इसमें। इंजन बड़ा है ना, 2.8 लीटर है वो भी है। देखो इतने फालतू फीचर नहीं चाहिए, एक चाहिए 360 कैमरा और एक सनरूफ। तो आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको लेने हो इन दोनों में से कोई, तो आप कौन सी लोगे। तो गाइस एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है कि इनोवा ठोक दी है साइल्दा ने, इनोवा ठोक दिया, पूरा इतने गंभीर घाव दिखाई है इसके। ये देखो गाइस यहां भी, यहां भी पूरी, यहां से लेकर नीचे तक पूरी लग चुकी है। और गाइस साइल्दा बता नहीं रही ठोकी कहां, इन्होंने कहां ठोकी बताओ, बता नहीं रहा, मतलब हम पूछते जा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहा। तो चलो फिलहाल चलते हैं इवनिंग वॉक पे, चाची और मम्मी के साथ में, और कुनाली और पीयूष भी हैं। तो गाइस पोपट हो गया, हमने बर्गर मंगाया था ना, वो कह रहे कि हम डिलीवर करेंगे, तुम कैंसिल कर दो, कहीं और पहुंच गए हो, कहीं और पहुंच गए, कह रहे वहां पे आओ लेने, और वो यहां से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर कैसे जाएं हम बर्गर लेने के लिए, इतने ठंडा भी हो जाएगा, कह रहे यहां पे नहीं आऊंगा, तुम कैंसिल कर दो। ले यार पोपट हो गया, पहली बार हमने बर्गर मंगाया। तो अभी गाइस मैंने दोबारा ऑर्डर करा है बर्गर, एक बार तो कैंसिल हो गया था, मेरे कैंसिलेशन चार्ज भी लग गए, अब दोबारा करा है, अब की बार मैंने थोड़ी आसपास का एड्रेस डाला अच्छे से, तो अब दोबारा आएगा। तो फाइनली गाइस अपना बर्गर आ चुका है, इतना वेट करने के बाद फर्स्ट टाइम हमने मंगाया घर पे, तो चलो अब अनबॉक्स करते हैं। हाँ यार चाची एक आपका है, लो लो मम्मी तो खाती नहीं, आप खाओ। लाइसने आते ही बर्गर को खोल दिया, खोल क्यों दिया, क्या देख रहा है इसमें? तो गाइस बर्गर तो काफी ज्यादा मस्त हो रहा है, तो खाते हैं। अब सही है चाची आ गई, तो अब मम्मी की हेल्प कर देगी चाची, जैसे अभी मिल के देखो सब्जी काट रहे हैं, सब्जी बनाएंगे और खाना सब काम मतलब मिलके कर लेंगे, सही है। तो मम्मी जी कैसा लग रहा है चाची के साथ में आपको? अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है। और आज बनी है मस्त आलू की सब्जी, सूखे आलू। तो अभी गाइस यहाँ पे चल रहा है हमारा डिनर, सभी साथ में बैठ के खा रहे हैं मस्त आज बहुत टाइम के बाद, और यहाँ मैच भी चल रहा है इंडिया का, साथ में ओरियो भी खा रहे हैं, मम्मी ओरियो खिला रही है। आज बनाए मस्त आलू रोटी और बर्गर तो हमने खा लिया जो कि हमारे पेट में। आज दही भी बनाई है। अच्छा दही भी बनाई है, अच्छा दही खा रहे हो, चलो बढ़िया है यार। जब कुनाली बोलता है ना क्यूट सा लगता है ना, अच्छा सा लगता है कि बच्चा है ना वो कुछ भी बोल देता है, तो मतलब वो घर में आ गया था मजा आ गया, बहुत एंटरटेनमेंट सा होता है, अच्छा सा लगता है मतलब देख के। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है, फिलहाल मैं एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। बाय द वे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, दो दिन से हम गांव से आए हुए हैं, पीयूष ने गेमिंग पीसी को हाथ भी लगाया, उसके अंदर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है गेम खेलने का, गेमिंग पीसी चलाने का या फिर वीडियो बनाने का कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। इवन उससे ज्यादा तो स्कूल जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहता है, स्कूल जाने के लिए, फिर बाहर
पार्क में फिजिकल गेम खेलने के लिए, उसके अंदर पीसी का या फिर गेम खेलने का बिल्कुल भी, बिकॉज उसने अभी तक हाथ में लगाई, मैंने कहा भी नहीं कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पता नहीं मुझसे डरता है या क्या है, मैं मना कर दूंगा, पर चलो जो भी है सही है कि मेरे परमिशन के बिना वो हाथ भी नहीं लगाता, ये मैंने देख लिया। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें गेमिंग पीसी दिला दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप खुद ही देख लो, आपने खुद ही देखा होगा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वो आया तक नहीं यहाँ पे गेमिंग पीसी, उसने टच भी नहीं करा, तो हाँ काफ़ी सही है। तो अभी गाइस रात के 11 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। आज के ब्लॉग में आपने देखा कुनाली का भी एडमिशन हो चुका है, एक बहुत बड़ी टेंशन थी जो ही खत्म हो चुकी है, जो कि पीयूष के कुनाली के एडमिशन की, तो वो हो चुकी है। तो बस अब एक महीने बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। फिलहाल इसका एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आता है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अबे और मत कर, मेरे को बोलने दे यार, तू चुप हो जा यार, मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो गाइस अबे यार, और ही मैं तेरे को लेके नहीं आऊंगा आज के बाद ऐसे करेगा। तो गाइस बात हो चुके है, तो गाइस एमएस के भाई, तो गाइस एमएस के भाई, मैं भाई सच्ची मिलने लेके आऊंगा तेरे को आज के बाद, चुप हो जा, उधर देख, उधर देख क्या है। तो गाइस एमएस के भाई से to be able to find myself shouldn't be so complicated if I listen to my heart I'm gonna leave it all behind find myself I'm gonna start over new yeah I'm on my way now